हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ सर यूट्यूब पर। आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो 22 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट पर होंगे, जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एवं लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया देश। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश ने भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है और इस अभ्यास का उद्देश्य चारों देशों की सेनाओं के बीच समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत कराना और नौसैनिक जहाज़ों और विमानों की क्षमताओं के साथ अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन कराना है। और दोस्तों बात हुई है ऑस्ट्रेलिया देश की, तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी पांचवें, ऑप्शन डी चौथे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथे स्थान पर। तो दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस इंडेक्स का मतलब जान लेते हैं। इस इंडेक्स में एशिया में प्रमुख शक्तिशाली देशों की रैंकिंग की जाती है और देशों के पास क्या है और वे क्या करते हैं इसके बारे पर रैंकिंग की जाती है। तो फ्रेंड मैं आपको एशिया पावर इंडेक्स के टॉप 3 देशों के नाम बता देती हूँ, और नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चीन, नंबर 3 जापान हैं। चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए अजय भल्ला, ऑप्शन बी राजकिरण राय, ऑप्शन सी रोहन जेटली, ऑप्शन डी दीपक मित्तल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजय भल्ला। तो दोस्तों केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है और इनका नाम अजय भल्ला है। और फ्रेंड में जो अजय भल्ला हैं वह 1984 बैच के असम मेघालय केंद्र के IAS अधिकारी हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। चौथा क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों हाल ही में विश्व आघात दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 17 अक्टूबर, ऑप्शन बी 18 अक्टूबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी 19 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 अक्टूबर को। तो दोस्तों 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको आघात का मतलब बता देती हूँ। आघात का मतलब किसी भी तरह की शारीरिक एवं मानसिक चोट है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व दुर्घटनाओं और चोटों के कारण होने वाली मृत्यु एवं विकलांगताओं की बढ़ती दर को रोकने के प्रति लोगों को जागरूक कराना है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलते हैं दोस्तों अपने पाँचवें क्वेश्चन पर। पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार की सुविधा देने के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम चलाया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। तो दोस्तों पंजाब राज्य की सरकार ने युवाओं को रोजगार की सुविधा देने के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम चलाया है। तो फ्रेंड इस योजना का महत्व जान लेते हैं। घर घर रोजगार योजना के तहत कारोबार मिशन, कारोबार मेला, जिला रोजगार और उद्योग ब्यूरो के अलावा एवं रोजगार योजनाओं के जरिए नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि बढ़ती हुई बेरोजगारी को
कम किया जा सके। तो दोस्तों बात हुई यहाँ पे पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अरिंदर सिंह हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर का नाम बृजेंद्र पाल है। और पड़ोसी राज्य हैं जो पंजाब के, वो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हैं। और दोस्तों एक पड़ोसी देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। थैंक यू फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 21 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए विश्व कैल्शियम अल्पता दिवस, ऑप्शन बी विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, ऑप्शन सी विश्व प्रोटीन अल्पता दिवस, ऑप्शन डी विश्व विटामिन अल्पता दिवस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। तो दोस्तों 21 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न कराना है और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। चलते हैं दोस्तों अपने सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ISE दिवाकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अर्पण संस्थान, ऑप्शन बी आरुषि सोसाइटी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों ISE दिवाकर पुरस्कार 2020 से अर्पण संस्थान और आरुषि सोसाइटी को सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड यह पुरस्कार उन संगठनों और संस्थाओं को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को काफ़ी अधिक बढ़ाया है। और अर्पण संस्थान और आरुषि सोसाइटी को यह पुरस्कार दिव्यांग लोगों के प्रति उत्कर्ष कार्य के लिए दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड, चलते हैं हम अपने आठवें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IIT के स्टार्टअप ने राजस्थान में डायरी किसानों के लिए पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ऑप्शन ए IIT बेंगलुरु, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT बम्बई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। तो दोस्तों IIT मद्रास ने स्टार्टअप ने राजस्थान में डायरी किसानों के लिए मूव अप पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो दोस्तों इस सुविधा के तहत दूध के भुगतान के लिए डिजिटल रूप से स्थानांतरित कराना है, जिससे सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान जमा करने से किसानों की बचत में मदद मिलेगी। चलते हैं दोस्तों अपने नौवें क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो दोस्तों गुजरात राज्य में पहली सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी। गुजरात में 5 सी प्लेन सेवाओं में से पहली नर्मदा जिले के केवड़िया में, अहमदाबाद में साबरमती नदी के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने के लिए किया जाएगा। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह उद्घाटन किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने दसवें क्वेश्चन पर। दसवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन अक्टूबर 2020 में पुनः पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला यूरोप का पहला क्षेत्र बन जाएगा? ऑप्शन ए वेल्स, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी इटली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेल्स। तो दोस्तों वेल्स अक्टूबर 2020 में पुनः पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला यूरोप का पहला क्षेत्र बन गया है। तो दोस्तों वेल्स ने फिर से लॉकडाउन लगाने वाला देश यूरोप क्षेत्र बन गया है। थैंक यू फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।